हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ़ॉन्ट साइज है तो फ़ॉन्ट साइज़ को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है अपनी आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में फ़ॉन्ट साइज है तो फ़ॉन्ट साइज़ को आप कैसे चेंज मतलब कैसे सेट कर सकते हैं। सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग्स इस तरीके से शो हो रही है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। आप देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ॉन्ट साइज़, तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। तो हम तो स्मॉल साइज़ में सेट कर देंगे, तो स्मॉल साइज़ में इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्चिंग सेटिंग पे जाकर फ़ॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जाकर भी फ़ॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी। जहाँ से आपको क्लिक कर देना है स्पेशल फंक्शन सेटिंग्स पे, इस पर जाते ही आपको क्लिक करना है एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ से आप फॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं किसी भी साइज़ में। जैसे डिफ़ॉल्ट साइज करेंगे तो इस तरीके से सेट हो जाएगा, और लार्ज साइज करेंगे तो इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो हम पहले डिफ़ॉल्ट वाला सेट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हो गया हमारे फ़ोन में, इस तरीके से साइज सेट हो गया है। इस तरीके से आप उसको हम लार्ज करने वाले हैं, लार्ज करते इस तरीके से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज़ को सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।